एक्चुअली ये फिल्म इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, नॉट अ यूजुअल लव स्टोरी. एंड अगर मैं स्टोरी बता दूँ फिर कौन देखने जाएगा? मैं हीरो की वाइफ प्ले कर रही हूँ जो वहाँ स्विट्ज़रलैंड में जाके रहते हैं, और कैसे वहाँ अक्षय और बिपाशा उन लोग को ट्रिक करके कहानी आगे जाती है. अक्षय तो मैं पहले से जानती हूँ, जब मैं 7 साल की थी और मेरी बहन इंडस्ट्री में आई थी तो मेरी बहन की पहली पिक्चर अक्षय के साथ होने वाली थी, दीदार करके एक पिक्चर थी. तो मैं अक्षय को कम से कम 10-12 साल से जानती हूँ, तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके. और बस वेरी प्रोफेशनल. अब्बास भाई मस्तान भाई के साथ मेरी पहली पिक्चर है, और वेरी कमिटेड डायरेक्टर्स, और मेरे जैसे बिल्कुल परफॉर्मेंस में ही इंटरेस्ट लेते हैं कि एक्टर की परफॉर्मेंस कैसे अच्छी हुए. और बहुत अच्छा ट्यूनिंग हुआ उन लोग के साथ, तो आगे भी उनके साथ पिक्चरों में काम करना चाहती हूँ. अनु मलिक का म्यूज़िक है, एंड अनु मलिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर्स ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री आई फील. एंड देर आर 2-3 हिट सॉन्ग्स जो बिल्कुल लाइक पब्लिक सुन के ही पागल हो जाएंगी बिल्कुल. 4-5 सॉन्ग्स जो नॉर्मल हिंदी पिक्चर में होती है, 6-7 गाने तो हीरो हीरोइन के ऊपर होते. एक्चुअली ये शिप का सीक्वेंस है जहाँ हम लोग अक्षय बिपाशा को ढूंढने आते हैं, तो उनके बारे में सर्चिंग चल रहा है, तो ये शॉर्ट चल रहा है. विजय गलानी के बारे में, विजय इज़ वेरी नाइस गाय, ही इज़ वेरी नाइस प्रोड्यूसर. एंड आपको तो मालूम होगा कि हम लोग ने कम से कम 6-7 आउटडोर्स किए हैं इस पिक्चर के. हालांकि जब कोई नॉर्मल फिल्म में तो मैक्सिमम 1 या 2 फिल्म हम इन आउटडोर होते हैं, फॉरेन आउटडोर, मगर इस फिल्म में हम लोग ने कम से कम 6-7 टाइम्स गए अब्रॉड, एंड ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. इज वेरी ग्रेट गाय एंड अ ग्रेट प्रोड्यूसर. शी इज़ नॉट प्लेइंग अ टिपिकल वाइफ के 30 साल की औरत है तो साड़ी में घूम रही है मंगलसूत्र डाल के, तो बिल्कुल नहीं. जैसे द वे आई एम, वो 18 साल की लड़की है जो उसने यंग एज में शादी किया है, तो शी इज़ प्लेइंग अ यंग गर्ल, सो आई डिडंट फील एनी डिफरेंस. बहुत डिफरेंट है. रेफ्यूजी वॉज वेरी इंडियन एंड आई प्लेड अ पाकिस्तानी गर्ल, बट इन दिस फिल्म इट्स मोर मॉडर्न एंड वॉट टूडेज ऑडियंस इज लाइक टू सी द हीरोइंस इन मॉडर्न क्लोथ्स एंड all that. Well, I think from every one of our films, हर पिक्चर के रिलीज के दिन हम लोग सब वेट करते हैं कि पिक्चर चलेगी, हिट होएगी. But I am very confident of this film, that this film will be liked by all. Ideal role. Actually, I don't have an ideal role. As long as the role is good, it's okay. Because this is a male-dominated industry, so... जैसे मैंने अपनी पहली फिल्म में किया था, बहुत अच्छा रोल था. I'd like to get meaty roles like that. Basically, this is a thriller. एक thriller है ये, और जिसके अजनबी, अभी आप पूछेंगे अजनबी कौन है, मैं हूँ, बॉबी है, करीना है, या बिपाशा है, या हो सकता है जॉनी लिवर भी हो, कोई भी हो सकता है. तो बेसिकली इट्स अ थ्रिलर, इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, इस तरह की फिल्म है जी. मेरा जो कैरेक्टर है, बेसिकली मैं, ये पूरी फिल्म स्विट्ज़रलैंड में शूट की गई है. आई एम प्लेइंग एन NRI, नॉन इंडियन रेजिडेंट, एंड
ये एक कपल्स की कहानी है, एक मैं और बिपाशा एंड बॉबी एंड करीना एंड हाउ वट एवर हैपन्स एंड थिंग्स लाइक दैट, ये उस तरह की कहानी है जी. खिलाड़ी के बाद मैं ये दूसरी बार इनके साथ काम कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है कि वो वापस, वो यादें वापस आ रही हैं और अभी हमारी तीसरी फिल्म भी शुरू होने वाली है. सॉरी, बॉबी के साथ मेरी ये पहली फिल्म है लेकिन ये 1.5-2 साल से चल रही है फिल्म. ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जिसके साथ मैं बहुत अच्छी तरह हिल मिल गया हूँ. हमारी एक दूसरे का ट्यूनिंग बहुत अच्छी है एंड वी हैव नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट ईच अदर, वी आर हैप्पी. दिस सपोज टू बी अ क्लाइमेक्स सॉन्ग. कैसा लगता है डांसिंग? मज़ा आ रहा है डांसिंग. आप देख रहे हैं, आपने बकायदा शूट भी किया होगा, बहुत मज़ा आ रहा है. वेरी कंफर्टेबल, इसमें अनकंफर्टेबल की कोई बात ही नहीं है. इसमें विजय गलानी, मैं ये विजय गलानी के साथ मेरी ये पहली फिल्म है एंड आई थिंक ही इज़ अ गुड प्रोड्यूसर एंड ही इज़ अ काइंड ऑफ प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट जब तक पूरी ख़त्म ना हो जाए, उसके बाद रिलीज ना हो जाए, उसके बाद एक महीने तक ये फिर भी उसके ऊपर काम करता रहता है. इज़ दैट काइंड ऑफ अ मैन, आई थिंक सो. जी नहीं, ऐसी कुछ नहीं, खिलाड़ी टाइप का इसमें कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट अ सस्पेंस फिल्म, इट्स अ थ्रिलर एक्चुअली. इट्स सस्पेंस भी नहीं है, थ्रिलर है बेसिकली. अजनबी में मैं हूँ अक्षय, बिपाशा, करीना. ये कहानी, इस फिल्म की कहानी ये है कि जब लोग नए लोगों से मिलते हैं, अजनबी लोग अजनबी से मिलते हैं, तो क्या होता है, कैसे सबकी लाइफ बदल जाती है. इन समटाइम्स इट्स गुड, समटाइम्स इट्स बैड, सो समटाइम्स यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. सो इट्स बेसिकली दैट. इट्स एक्सीलेंट, इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स द अल्टीमेट. अब मेरी पसंद होती है, वो ऑडियंस की पसंद नहीं हो सकती, लेकिन मेरे हिसाब से अनु मलिक हमेशा ऐसा म्यूज़िक देता है जो ऑडियंसिस को हमेशा अच्छा लगता है. और मेरी काफ़ी फिल्मों में अनु मलिक ने म्यूज़िक दिया है और मुझे उनका हमेशा म्यूज़िक बहुत पसंद आया है. अब जब म्यूज़िक रिलीज़ होगा, तब आप जब सुनेंगे तब आपको कैसा लगता है, आप मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताना. लेकिन इस वक्त जो भी म्यूज़िक हमने अभी पूरी फिल्म शूट हो चुकी है, तो आई हैव रियली एंजॉयड ऑल द सॉन्ग्स एंड ये 11वीं फिल्म है मेरी, 11th. तो 10 से 11 अलग होता है. अलग ये है कि इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर एंड इट्स बेसिकली डिफरेंट बिकॉज इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. माय कैरेक्टर इज वेरी डिफरेंट एंड बियॉन्ड दैट आई कांट रियली इसकी फिल्म और बता नहीं सकते, क्योंकि कहानी पता चल जाएगी आप लोगों को. तो ज़्यादा क्योंकि इट्स अ थ्रिलर एंड इट्स कॉल्ड सस्पेंस इन इट, सो आई कांट रियली टॉक अबाउट. मेरे कोस्टार्स बहुत ही अच्छे हैं, काम में और दे आर नाइस पीपल. आई मीन अक्षय एंड मी आर रियली गुड फ्रेंड्स. आई मीन वी रियली, आई मीन आई गॉट टू नो हिम बिकॉज ऑफ दिस फिल्म. आई न्यू हिम बिफोर अर्लियर बट नाउ आई रियली नो हिम वेरी वेल एंड ही इज अ रियली नाइस गाय एंड आई रियली गेट अलॉन्ग विथ हिम एंड दैट्स दे ऑल अ वेरी नाइस. बिपाशा की ये पहली फिल्म है एंड शी इज डन अ ग्रेट जॉब एंड यू I mean, I think for her, this film is really important because it is her first film. So I think for a newcomer, she has done a great job and I wish her all the best. And beyond that, the film is very nice. हाँ, मेरे हिसाब से जब भी मेरे को इंटरव्यू देना होता है तो मेरे को बहुत डिफिकल्टीज आती हैं. मैं अटक जाता हूँ, फंस जाता हूँ, मुझसे बोला नहीं जाता ज़्यादा, लेकिन फिर बोलना पड़ता है. तो ये होता है, कोई लोग की पहली फिल्म में तो ज़रूर होता है, लेकिन कोई भी लोग ज़्यादा देर तक उसी चक्कर में फंसते रहते हैं, जैसे इंटरव्यूज जब मैं देता हूँ. लेकिन फॉर हर फर्स्ट फिल्म शी इज़ डन अ रियली नाइस जॉब. मैंने तो ज़्यादातर न्यू कमर्स के साथ काम किया है, तो आई एम वेरी यूज्ड टू इट. अब
अब्बास भाई और मुस्तन भाई दोनों इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैं सोल्जर कर चुका हूँ और मेरा और उनका रिश्ता एक्टर और डायरेक्टर के जैसे बीच में उस टाइप का नहीं है, इट्स मोर देन दैट, वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दैट्स व्हाट इज वेरी गुड फॉर एन एक्टर एंड अ डायरेक्टर बिकॉज दे गेट अलॉन्ग वेरी वेल एंड दे गेट द बेस्ट आउट ऑफ ईच अदर सो आई थिंक इट्स अमेजिंग वर्किंग विद देम.